क्या बात है, कितनी खूबसूरत लग रही हैं आप एज ऑलवेज। थैंक यू। और ओह यू स्लीपिंग एज लाइक ओ गॉड, मैं इतना रेडी होके बैठी हूँ, आई होप यू डोंट टेक मेरी अरे मजा ना नहीं लेते। नहीं नहीं पर मैं एक चीज बोलूं, जब आपने ये किया ना, आप ऐसे 3 बार करेंगी 4 बार करेंगी, मैं तो घायल हो जाऊंगा यार। ओहो सबके जवा, ये दो और ये तीन। ओ मैं अभी इंटरव्यू नहीं कर सकता हूं, बट लिसन यार, इतने सालों से इतनी क्यूट अडोरेबल प्रिटी दिख रही है, इसका राज मुझे बता दो, मुझे भी आपकी तरह फ्रेश दिखना है हमेशा, बताओ। फ्रेश कर इतना, आई थिंक हैप्पीनेस इज द की टू एवरीथिंग, जस्ट बी द वे यू आर। हाँ बीच बीच में मुझे भी झटके लगते हैं तो फिर मैं ऑफ चली जाती हूँ, मेरी बैटरी डाउन हो जाती है। पर झटके क्यों लगते हैं यार तुम्हें, क्या क्यों होता है? माने ऊपर वाले ने कहा कि खुशी के साथ झटके आने चाहिए। अरे नहीं मतलब यू कांट कीप रिपीटिंग वन थिंग अगेन एंड अगेन, सो आई नीड ब्रेक एंड देन आई कम बैक। क्या बात है यार, एज लॉन्ग एज जब आपको ब्रेक चाहिए आप लो, जब आपको डांस करना है आप डांस करो, जब आपको प्यार लेना है देना है सब करो अपने हिसाब से। बट 2002 में रश्मि देसाई एंट्री, टैटन, और फिर 2020 में भी आप इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग कर रही हैं, चौके छक्के लगा रही हैं। 18 साल में फ्लैशबैक करके बताइए क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं आपकी जर्नी पर। मेरी जर्नी में बहुत सारे थॉट्स है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है, बहुत सारे गिले शिकवे है, बट लाइक एक जर्नी इतनी निकाल चुकी हूँ, तो कई बार मुझे ऐसा लगता है नो नो आई थिंक दैट्स लॉन्ग वे फॉर मी। आई स्टार्टेड एट अ वेरी यंग एज, तो मुझे लगता है कि जी नहीं नहीं रश्मि अभी बहुत टाइम है तेरे पास, बहुत बहुत कुछ करना है। यू हैव नॉट डन दिस, यू हैव नॉट डन दैट, स्टिल यू हैव टू क्रिएट लॉट मोर थिंग्स फॉर योरसेल्फ। सो या ऑल एक्साइटेड फॉर दिस। अच्छा, मुझे बताओ नागिन 4 में आपने इतना नाम कमाया, और अब नागिन 5 आ रहा है, नागिन 4 इज नॉट गोइंग टू कंटिन्यू, आपके दिमाग में क्या थॉट्स आ रही हैं? नागिन 4 का मिस करेंगी, क्या होगा? हर घर में वो सीरियल मेरा चलता था। नागिन बनने का सपना अधूरा रह गया था पति। मैं नागिन नहीं बन पाई। या अनफॉर्चुनेटली एवरीथिंग वाज वेरी सडन एंड आई डेफिनेटली नोबडी वाज प्रिपेयर्ड फॉर दिस सिचुएशन। बट या जब अगर सेकंड अगर फिफ्थ सीजन भी आती तो सितंबर अक्टूबर से ही नया सीजन ही आता आई थिंक। सो इट्स अ स्मार्ट डिसीजन टू रैप अप दिस वन एंड स्टार्ट द न्यू एंड फ्रेश, सो दैट वो एक कनेक्टिविटी ऑडियंस के साथ रहती है। मैं बताऊं, इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि यार रश्मि यू आर ग्लोइंग, मैं बता दूं ये क्यों ग्लो कर रही है, क्योंकि ये सिड कनन के साथ इंटरव्यू कर रही है इसलिए। या सिड्रा आई लाइक इट यार। अच्छा मुझे बताओ ना यार, पर ऑनेस्टली बताओ, फ्रॉम वन फ्रेंड टू द अदर, आर यू स्टिल आपके दिमाग में रहता है कि एक प्रिंस चार्मिंग आएगा और उसके साथ रोमांस शुरू होगा? आर यू ओपन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लव रश्मि? दिल से बताओ। बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट एंड प्रैक्टिकल एट द सेम टाइम, नो फीलिंग्स एंड इमोशंस अटैच्ड विद इट एनीमोर। बट वो प्रिंस चार्मिंग वाला ना, जब आप रियल वर्ल्ड में काम करना शुरू कर देते ना तो वो सारी चीजें ना आपके सामने दिख जाती है कि एक्चुअली प्रिंस चार्मिंग सिर्फ टीनेज में होते हैं, उसके बाद प्रिंस चार्मिंग नहीं होते, उसके बाद आप चूज करते हो अपने। सो या माय चॉइसेस हैव बीन वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरीली डिफिकल्ट, सो या आई हैव नॉट गिवन अप, बट या जब जब जो जो होना है तब तब सो होगा ही। सो आई एम क्या नॉट वेटिंग कि यू नो मेरा जूता किसी को मिले और मुझे वो आके पहना है और मुझे ले जाए, ऐसा मेरा कुछ नहीं है। देखो, मैं बताऊं, प्रिंस चार्मिंग हो या ना हो, आप अपने आप से खुश होनी चाहिए, वो सबसे बड़ी बात है, बाकी या सब हो या ना हो, क्या बोल रही हैं आप? कोई फर्क नहीं पड़ता है, ट्रस्ट मी। एंड आई माय ड्रीम इज लाइक, अभी के बारे में पूछो दैट सिंस 4 years आई हैड दिस ड्रीम, मुझे पूरा ग्लोब ट्रैवल करना है। तो अगर इसमें कोई साथ में रहा ठीक है, नहीं साथ में रहा तो आई स्टिल हैव माय लव्ड वन, तो मुझे ऐसा कोई कमी महसूस होती नहीं है कि ठीक है। क्या बात है, बहुत अच्छा, और इतने लोग आपसे प्यार करते हैं। अच्छा मुझे बताओ, जेन्यूनली दिल से बताओ, एंड आई वॉन्ट यू टू बी रियली ऑनेस्ट टू मी, ओके? बिग बॉस, डू यू रिग्रेट दैट होल एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग इन द बिग बॉस हाउस, या आप कहती है आई एम प्राउड ऑफ माई डिसीजन ऑफ गोइंग देयर? क्या है व्हेन यू लुक बैक? I never doubt my decision. First of all, when I was being part of such a, it is definitely indeed a very very big show. I won't put it in the bracket of it. Oh, it's a very good show. Oh, it's a best show. Oh, it's everyone's experience does count. And according to that, I would say कि मेरे लिए कुछ बुरा नहीं हुआ है. And being part of that show is very difficult to survive in that
world itself is very difficult because they put you into certain kind of situation, then you don't know what are you going to react. But when you out of that, the entire scenario, the entire environment, you definitely realize that ki, okay, main actually, you know, आपके साथ जो जो चीजें होती है वो सेल्फ रियलाइजेशन और वो सब बहुत बेटर वे में होता है. एंड आई डोंट रिग्रेट एनी ऑफ माई डिसीजन. इट वॉज माई डिसीजन मे बी शायद आप ना लर्निंग प्रोसेस इज ऑलवेज देयर. सो यू शुड बी डाउटिंग योर सेल्फ रादर देन यू नो फीलिंग पिटी के अच्छा मैंने ये कर दिया था, ये सब मुझे नहीं आता है, मैंने कर दिया, मेरे साथ हुआ, इवेंचुअली इट वॉज जस्ट पार्ट ऑफ माई जर्नी. नहीं हुआ मे बी शायद जो होना होगा, मे बी शायद अब इसके साथ बेस्ट होगा, मे बी इसके बाद अब सुपर होगा. आई वॉक विद दैट थॉट एंड आई डोंट केयर के मेरे साथ जो भी उस शो में बना है नहीं बना, इवेंचुअली मेरे साथ अच्छा हुआ. And I'm very happy with it. And I'm thankful and grateful. I knew Salman sir since a very, very long time. But I didn't knew that he had that I would just say that the guardian angel, I would say. My few friends who are not in front of the camera, but they were like taking care of me from outside. Jitna wo kar sakte the, unhone kiya. And I think that is the most important. That's what I've earned in life. Paiso ke alawa, ye sari cheeze bhi bahut important hoti hai life mein. And I think that was the time I realized, I think this is the best show till now after Khatron ke Khiladi, by the way. Okay, I really want you to tell me what comes to your mind. Main in sab ke naam lunga kyunki aap bahut honest ho aur main bahut pyar karta hu aur izzat karta hu kyunki aap bahut honest ho. What comes to your mind when I say Asim Riaz? Asim Riaz is fire, and I find him pure. Wow. Vishal Aditya Singh, artist. Paras Chhabra, full of life. Mahira Sharma, Cinderella game is still on. Shehnaz Gill, smart. Siddharth Shukla, child soul in a good human body. I would say that a giant body and a 10 years old child inside. Yeah. वो पहली बार मैंने सुना ऐसा definition. Yeah, I'm sure because I know him. He is a child from inside, absolutely. अच्छा मुझे बताइए जेन्युइनली कि आप दोनों अभी भी दोस्त हैं, कि आप लोग दोस्त हैं, आप और सिद्धार्थ? मैं तो हमेशा बोलती थी वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है. ओके टेल मी, लोग बहुत बोलते हैं सिद्रा सिद्रा सिद्रा, देखो मैं फाइनली सिद के साथ आ ही गई यार, मैं यहां भी बैठी हूं. क्या बात है, मे बी मेरा और आपका सिद्रा था यार. हां बट देयर आर बिग पोस्टर्स दे हैव मेड फॉर मी जहाँ पर आपकी फोटो निकाल के एक्चुअली सेंड की डाली है उन्होंने, और मुझे मैंने बोला आई शुड हैव सेंट यू दिस बट आई हैड नताशा नंबर बट देन फिर मैंने नो ऑफ कोर्स. अच्छा पर मैं एक चीज बोलूं जेन्युइनली, व्हेन यू लुक एट बैक एट योर बॉन्ड विद सिद्धार्थ शुक्ला, व्हाट थॉट्स कम टू योर माइंड? डू यू लुक एट ऑल द गुड थिंग्स दैट हैव हैपेंड? डू यू लुक एट आल्सो द पार्ट्स वेयर मे बी थिंग्स वर नॉट गोइंग एज पर व्हाट यू थॉट बिटवीन हिम? क्या होता है जब भी मैं आता हूं? टफेस्ट पार्ट ऑफ योर जर्नी क्या रहा है जेन्युइनली बताइए? नॉर्मल लाइफ इज ऑलवेज हैविंग समथिंग और द अदर, द लाइफ विल ऑलवेज गिव यू सम टास्क. जब मैं वहां थी आई रियलाइज दैट यू नो what I used to do is like, obviously you would want to protect your people and your own comfort space. And that's there, matlab wahan aisa hota tha, sab reverse hai. Ke wahan ab chori karna allowed tha, marna bhi allowed tha. Matlab yaar ye duniya alag hi hai, to atrang hi bahut achhi hai yaar ye. Aap chori karoge to you come on number one. You destroy something, you win. Like bahar ki duniya se ye to kya bahut नहीं है, ये बहुत इजी है. बट या आई रियलाइज द डिफरेंस बिटवीन यू नो द प्रैक्टिकलिटी एंड शोइंग इमोशन. मैं एक टाइम होने के बाद ना आई हैड रियलाइज दैट कि मैं इमोट करना ही भूल गई हूँ, एंड दैट लैकिंग इन मी सेल्फ रियलाइजेशन जो बहुत चीजों को लेकर हुआ था. एंड द बेस्ट इज आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, मेरी मॉम और मेरी फैमिली को लेकर जो बहुत एक कश्मकश रहती थी जो हर फैमिली में होती है, बट मैं उलझी हुई रहती थी हमेशा. So, वो एक बहुत सॉर्टेड हो गया एंड आई एम वेरी हैप्पी. आई डोंट माइंड दैट टॉकिंग अबाउट एनी थिंग बट इन सर्टन रिस्पेक्टफुल मैनर.
चाहे वो मेरा हो या किसी और का हो, तो मैं उन चीजों के हद और दायरे समझ के ही हमेशा बात करती थी, तो मैं अपने आप को भूल जाती। बट मैं हमेशा अब ध्यान रखती हूँ दैट आई नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट टू द अदर पर्सन एंड से दैट व्हाट आई फील एक्चुअली। पर आप मुझे बताइए, जब जब भी मैं लोगों से आपके बारे में बात करता हूँ, वो कहती है बड़ी ऑनेस्ट लड़की है, बड़ी स्वीट सी है, बहुत अच्छी तारीफें होती है। रिसेंटली जब आपका लव लाइफ स्क्रूटनी में आया था, यू हैड फेथ इन समवन एंड इट डिडन्ट वर्क आउट, उस वक्त आप पर क्या बीती? I was definitely in a denial situation that what actually happened and all, because I've lived with that person. But then somehow I was numb. I didn't understand. I didn't realize. Eventually जो चीजें होती गई and जैसे जैसे चीजें मेरे सामने पॉप अप होती गई, तो मुझे ऐसे लगा कि एवरीथिंग कैन नॉट बी दिस थिंग एंड इट वॉज फ्रॉम सलमान सर, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। बट to come out from any relationship is not very easy for me. Like maybe for you it can be like over a day, ऐसे कैसे हो गया? मैं ऐसी नहीं हूँ। कोई भी रिलेशन चलाना, सस्टेन करना is very very difficult. आपको बहुत कुछ ऊपर नीचे करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, समझना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, और रिस्पेक्ट का दायरा एक मेंटेन करते हुए समझ कर आगे बढ़ना होता है। बट यू नो तोड़ना मतलब ऐसे हो जाता है कि तुम्हें बात करना है, आई कैन जस्ट ब्लॉक यू राइट नाउ, बट वो मैं नहीं कर सकती हूँ इमीडिएटली, मैं नहीं करती। आई कॉन्ट टेक एनी इम्पल्सिव डिसीजन, तो आई टुक माई टाइम, आई वॉज नाउ आई डेंट रियलाइज। बट देन सर आए, सर ने बात की, समझाया, देन आई ऑल्सो हैड माई अदर आरती वॉज वेरी क्लोजेस्ट, आई हैपन टू स्पीक टू हर एंड देन आई रियलाइज दैट ओके नो आई थिंक दिस नॉट हैपनिंग एंड आई वॉज वेरी क्लियर विद माई माइंड सेट इट्स नॉट फॉर मी, आई एम गोइंग आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, सो आई टुक द डिसीजन। पर एक चीज अच्छी है कि जब आप बाहर निकली, लाइक यू सेड यू कंप्लीटली ओवर इट। पर बताओ, जब रिलेशनशिप से दूर होना पड़ता है, उस समय आप अपने आप को कैसे रीग्रुप करती है? कौन थे आपके साथ जिनको बोला कि रश्मि इट्स ओके, इट्स ओके? बिकॉज इट्स टफ टू गेट आउट ऑफ रिलेशनशिप ऑल्सो, स्पेशली व्हेन यू। आरती एंड आसिम, आसिम वाज स्टिल ट्राइंग टू टेल मी दैट कि सी इट इज वेरी इजी टू डिस्ट्रॉय एनीथिंग बट टू क्रिएट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड इट टेक्स अ गट्स, सो इट इज कंप्लीटली योर डिसीजन एंड चॉइस व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। आई सेड आई अग्री विद यू बट आई कैन सी द गुड साइड आल्सो, आई कैन सी द बैड साइड आल्सो, बट स्टेइंग इनसाइड द फोर वॉल एंड आई कैन नॉट एनालाइज द आउटसाइड वर्ल्ड व्हाट इज हैपनिंग एंड यू नो कमिंग फ्रॉम होम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, so I जी could not neglect that also and yeah I took my time and then with that thing I moved on with life. अगर इज इट पॉसिबल टू गेट बैक टू बीइंग फ्रेंड्स विथ योर एक्सेस? पॉसिबल हो सकता है ऐसे अकॉर्डिंग टू यू, फॉर यू टू? I am friends with my ex ओके, and it depends on the what note you have left or I have left, so I this ex is not possible at all. अच्छा, मुझे बताओ, हु इज द हॉटेस्ट एक्टर ऑन इंडियन टेलीविजन? माने आप उनको देख, आई स्टिल लव ऋतिक रोशन बट आई हैव अभी आजकल के अगर मैं देखती हूँ आई रियली लाइक रणवीर कपूर, आई फाइंड हिम वेरी हॉट एंड रोमांटिक एंड फनी, आई थिंक ही इज ऑलराउंडर। तो मैं क्या करता हूं कि मैं ये वीडियो आलिया भट्ट को भेजने वाला हूं। रश्मि देसाई जी, आप हाँ ठीक है, दो प्यार करने वालों के बीच में आ रही हैं आप। बिल्कुल ही आ रही हूँ। आई एम अप्रिशिएटिंग हिज लवर, कितना अच्छा एंड ही इज अ वेरी गुड एक्टर यार, और यू सी हिज रॉक स्टार, यू सी हिज लास्ट जवानी दीवानी एंड अदर फिल्म्स, डिफरेंट डिफरेंट रोल ही हैज प्लेड, मुझे इन एवरीथिंग ही इज लुकिंग वेरी वेरी डिफरेंट, वेरी वेरी गुड। एंड यू नो बीइंग एन एक्टर वो एक जस्टिस करना होता है ना अपने कैरेक्टर के साथ, वो इतना ब्यूटीफुली कर देते हैं। यू सी बर्फी, ओ माय गॉड व्हाट अ फिल्म इट इज। अच्छा रश्मि, अभी इंडियन टेलीविजन पे भी तो बोलो, तुमने तो सारे बॉलीवुड स्टार्स के नाम ही इंडियन टेलीविजन। वो एक्टर जो तुम हॉट फाइंड करती हो टीवी पर? मेरे साथ मैंने ऑनेस्टली टीवी जब मैं करती हूँ तो मुझे देखने का टाइम नहीं मिलता, वैसे मैं अपने हीरो को भी देखती हूँ, बट नकुल आई लाइक, आई हैव नेवर वर्क विद हिम। नकुल मेहता यू फाइंड वेरी हॉट? Yeah, I find him very hot. He's a good actor. Nakul is good. Shahir is very, very good. Who is? क्या बात है बाबा, क्या बात है, दो नाम मेरे ले लिया। सारे हीरो इज गुड, करणवीर, करणवीर बोला इज गुड, गुरमीत इज हॉट एंड सेक्सी। और मेरा नाम तो लिया ही नहीं तुमने यार। आप वो भी बोलने की जरूरत पड़ जाए तो बात ही का है। यू वेरी वेरी हॉट एंड सेक्सी, आई एम टेलिंग यू।
या देवलीना और आप क्या अभी भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं? क्योंकि बिग बॉस के घर में आप लोग इनसेपरेबल थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे, अभी भी हैं कि नहीं? वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, आई थिंक वेरी गुड फ्रेंड्स, आई वुड से शी इज अ वेरी वेरी गुड एंड वेल, माय वेल विशर आई वुड से दैट. जब घर में शी वाज एक्सट्रीमली अनवेल एंड शी हैड टू लीव द शो इन बिटवीन ओनली, एंड शी एक्चुअली स्पेशली केम फॉर मी, एंड आई नो दैट हाउ मच शी लव्स, मतलब सारी दुनिया एक तरफ और मैं एक तरफ हूं, तो वो मेरे पास आई. अच्छा, उस घर में अब वो कौन है, एक दो लोग जो आप अभी भी कहती हैं कि आप उनसे इमोशनली कनेक्टेड हैं, वो कौन है? आसिम आई एम कनेक्टेड, विशाल आई लव, देवोलीना इज समबडी आई कैन नेवर लीव नाउ, शी इज लाइक अ वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड नाउ. माहिरा से ऑन एंड ऑफ बात होती है, शी आल्सो सी हर, आरती इज अ फैमिली, सो वो तो अनडाउटेडली, आई एम नॉट आई एम नेवर गोना लीव माय फ्रेंड्स फॉर एनीबडी इन द वर्ल्ड. आह, यही अच्छी हुई ना भाई, लोग आते हैं लोग जाते हैं, पर गिने चुने दोस्त हमेशा होने चाहिए. रश्मि बोलो, फ्रेंडशिप की जय हो. फ्रेंडशिप की जय हो, जय हो, जय हो. यार एक चीज मुझे बता, एक अफवाह जो तुमने सुनी अपने बारे में जो बिल्कुल गलत थी और तुमने बोला ये क्यों निकली और ये गलत था, वो क्या था ऑनेस्टली? एक अफवाह अभी भी चल रही है जो बहुत गलत है, और मुझे ये कहना है कि मैंने कोई पुड़िया फिल्म नहीं की है, ऐसा नहीं की है, और मेरी कोई बेटी नहीं है, मेरी नीज है, मुझे वो बहुत पसंद है, एट अ वेरी यंग एज माय ब्रदर हैड अ चाइल्ड, सो माय ब्रदर इज जस्ट लाइक 35 एंड हैविंग अ किड, सो इट्स लाइक मी रीलिविंग माय लाइफ, तो उन सबको ये लगता है शी इज माय डॉटर, सो दैट इज, और बाकी रीजनल फिल्म मैंने की. ओहो, अच्छा जब बताओ कि जब सोशल मीडिया में हम लोग सुनते हैं कि कैसे बहुत सारे लोग वो लॉकडाउन के चक्कर में बहुत तकलीफ में आ चुके हैं, एक्टर्स, सम एक्टर्स ऑफ कोर्स, राइट, उनका रेम्यूनरेशन रुक चुका है, शूटिंग्स नहीं हो रही है, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट यार रश्मि? इट्स टफ टाइम्स फॉर सम एक्टर्स ना. या आई नो फ्यू एक्टर्स जिनके पेमेंट नहीं आए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो डेफिनेटली स्ट्रगल कर रहे थे एंड जो अपने सपने पूरे करने आए थे, और मे बी शायद अपना एक लव ट्राई करने आए थे, नाउ दे आर सफरिंग, सो बट ऐसा नहीं है कि लोगों को हेल्प नहीं मिलती है, बहुत लोगों को हेल्प मिल रही है, बट लेने के अपने अपने तरीके होते हैं, एंड आई माई सेल्फ हेल्पिंग अ लॉट ऑफ पीपल, सो जहाँ उन लोग को इतनी दिक्कतें आ रही है, तो डेफिनेटली महलो वाली ट्रीटमेंट तो नहीं मिलेगी, बट उतनी बेसिक ट्रीटमेंट मिल रही है. सिंटा में भी लोग अगर आज जाते हैं, अप्रोच करते हैं, तो दे हैव दी दे कैन टॉक ओपनली एंड व्हाटएवर प्रॉब्लम दे आर फेसिंग. Even you know, I have, I won't take the name, but one of a very very good friend was facing a problem, skin issue ho gaya tha, to wo bhi solve hua hai, so aisa nahi hai, it's the time and it's the difficult situation that everyone has to go through, people like you and me are also facing somewhere, but hamari difficulty unse thodi si alag, so yeah, but keeping patience and planning your financial issues is very very important, and I have been talking about my own brother, बहुत खाने का शौकीन है, उसके अगर स्टेटमेंट और वो सब अगर हम लोग देते हैं अकाउंट्स में, तो माय भाभी इज लाइक ये क्या है, मैंने बोला क्या है, बोलते सिर्फ कॉफी और सैंडविच और रिसोटो एंड यही सब पिज्जा के बिल मिल रहे हैं, एंड देन रिसेंटली ही वाज आस्किंग फॉर मनी, छोटा है, बहुत छोटा है, इंटर्न है, बट देन आई वुड फील दैट यू नो दिस सिचुएशन इज गोइंग टू टीच एवरीवन व्हाट इज राइट and what is how to spend money, how to you know plan your life properly, and it's important. Aap ye mujhe batao ki bade parde par aane ka chaska hai ki nahi? Chaska I won't say, but everybody wants to grow in life. If I get amazing project script, agar itni strong hogi, to definitely I would love to be part of it. So if I gave you two people opposite you in a film, wo kaun honge, Ranbir aur Hrithik ko chhod kar? The Tiger Shroff. Are baba, kya I love his new panty. Yeah, what's the craziest thing about Rashmi Desai जो आप confess करना चाहती है? एक चीज जो आप बोलती है, यार किसी को मालूम नहीं मेरे बारे में, पर दोस्तों मैं आज खुलासा करूंगी. That I'm capable, अगर मैं शूट से आ रही हूँ और अगर बारिश हो रही होगी और मुझे कोई कहीं बाहर प्लान नहीं होगा, तो I'll get down बारिश के बीच में, मैं गाड़ी से उतर के खुद मैं मस्त अपना रास्ते पे चलूंगी, फिर आजू बाजू ढूंढूंगी बड़ा पाव समोसा वाला, और मैं खाऊंगी चाय के साथ चस्के लेके, जब तक मेरा मन नहीं भरेगा मैं तब तक वैसे ही मैं सारे एटमोसफेयर वो सारी चीजों के मजे लूंगी, एंड खूब सारी चॉकलेट्स जो मैं कभी नहीं खाती हूँ, दैट इज द वियर्डेस्ट
थिंग अबाउट मी, बट मैं बारिश के वो मेल्ट हुई हुई चीजें चाट चाट के खाना पसंद है मुझे, तो मैं वो करती हूँ। अरे बाबा, मैं भी जब रसम सांबार खाता तो मैं भी ऐसे ही खाता हूं। क्या आनंद है हाथ से खाने के लिए यार। हाँ, रसम सांबार ऐसे, इसको कहते हैं ऐसे करो हाथ। और वो हाथ से खाने का मजा अलग होता है। अच्छा, पहले ऐसे करो और फिर ऐसे और फिर ऐसे। रब्बा रब्बा रब्बा। क्या मुझे अच्छा, वन पर्सन जो आप इंडस्ट्री में थैंक करना चाहती है, एक इंसान जो आप कहती है इन्होंने मेरी जिंदगी में बहुत कुछ किया है टू गेट मी टू वेयर आई एम, वो कौन है? लॉट ऑफ पीपल, बट आई वुड से इन पास्ट 5 years आई नो, आई वुड से नदीम भाई इज द पर्सन हु हैज हेल्प्ड मी, बिन देयर। दूसरी भाई इज बिन देयर, ही तो ऑलवेज बिन देयर। मैं रोती हूँ, करती हूँ, कुछ भी हो, इससे तो सहाते रहती हूँ उनको। एंड माई फैमिली तो डेफिनेटली, जो भी है लड़ाई वड़ाई सब करते रहते हैं, बट है। एंड माई क्लोजेस्ट फ्रेंड आई वुड से जीविता, दीज 3-4 पीपल मैटर्स टू मी अ लॉट, क्योंकि मैं किसी भी सिचुएशन में होती हूँ आई कैन काउंट ऑन माई फिंगर दीज पीपल विल नेवर लीव मी। वॉट मेक्स रश्मि देसाई वेरी एंग्री? रश्मि देसाई को किस बात से गुस्सा आता है? क्वेश्चनिंग टू मच, स्टूपिड क्वेश्चन नहीं पसंद है, मेरे बाल खींचना नहीं पसंद है, तुम्हारे बाल और खींचना? हाँ, और मुझे कौन व्हाट्सएप खींचता है पे तुम्हारे? फॉरवर्ड नहीं पसंद है, मैं ब्लॉक कर देती पर कौन तुम्हारे बाल खींचता है यार? हूँ। मेरी हेयर से खींचती है ना कभी कभी, दैट्स ओ गॉड। हाँ, माय वीकनेस। ओके, ये बहुत स्टूपिड वाला था बट है मेरा, अच्छा तो बता दिया। गौर से देखो दोस्तों, रश्मि देसाई की टांग खींचो पर बाल कभी ना खींचना। क्यों? ये ना, टांग खींचो बिंदास पर बाल मत खींचना। हाँ, नहीं, बाल बाल अच्छा सुनो, खींचने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है आजकल तो वेदर की वजह से। ऑफ कोर्स लव यू रश्मि, यू आर ग्लोइंग एंड देयर समथिंग वेरी पॉजिटिव अबाउट यू, और मैं चाहता हूं हमेशा ऐसे पॉजिटिव रहना। बोलो, मैं रहूंगी। मैं हमेशा पॉजिटिव ही रहने की कोशिश करती हूँ और मैं रहूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, आई रियली हैड फन एंड देयर वर क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस एंड आई वुड जस्ट से दैट थैंक यू सो मच। एंड I always wanted to tell you that even when I have seen you hosting any show, any segment, your talking, the way you talk and the way you smile in between and the way you involve other people and the people sitting in the audience, I had this dream, कि मैं ऐसे hosting कब कर पाऊंगी, maybe will I be able to do it? So बहुत बार मैंने जब देखा है लेकिन कभी मौका नहीं मिला, but I must say that you are multitasking, you act also, you an RJ, I'm still an RJ. I'm still an RJ. you write, Yes, do you write? I write all my stuff with a little bit help from my team, but mostly I write. Yes. And you are a producer, if I'm not wrong. Yes. So I am grateful and thank you so much for having me. I love you. Give my love to your mama. Give my love to your niece. Give my love to your brother. Yaad rakhna, life में एक चीज, one life, one जुनून, be bindas, be fearless. एक डांस हो जाए। Yeah, I want दिल you से to do ना। what I'm doing. No, not अच्छा, this. मुझे तो तेरी लत हु डज दिस? ए, कौन करता है इसे? गई। आई थिंक अभी तो ये नहीं, दिस इज दिस रणजीत सर ना, एंड वन ऑफ यंगस्टर्स फैमिली वर्कर्स। अरे वो नहीं, हाउसफुल में भी नहीं, 70s से वो ऐसे करते आए। वंस इन अ ब्लू मून, बोलो वंस इन अ ब्लू मून। बाय आई लव यू रश्मि, सी यू सून बाबा, ब्लेस यू, थैंक यू, सी यू सून, बाय।